पक्षों में मामूली बात को लेकर लाठी भाटा जंग, तीन लोग गंभीर रूप से घायल। इडली कस्बे नाटाणी मोहल्ले में गुरुवार को मामूली कहासुनी के बाद दो पक्ष आमने सामने भिड़ गए, जिनमें करीबन आधा घंटा डंडा लाठी भाटा एवं पत्थरों से लड़ाई हुई, जिसमें करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए। तीन लोगों को आई है गंभीर चोटें। दो पक्षों में छोटी सी बात को लेकर विगत तीन दिनों से लड़ाई चल रही थी, लेकिन गुरुवार को दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। मोहल्ले वासियों ने काफी समझाइश के बाद झगड़े को शांत कराया और दोनों पक्षों के घायलों को इलाज कराने के लिए डीग अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही दोनों पक्ष आपस में फिर भिड़ गए और एक व्यक्ति को जमकर पीटा गया। झगड़ा होते ही अस्पताल में सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। करीब 10 मिनट की मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को वामुश्किल अलग किया जा सका। अस्पताल में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लड़के को इतना पीटा कि वह मौके पर ही बेहोश हो गया और उसके सिर में गहरी चोट आई है। पूरे शरीर में गंभीर चोटें हैं, जिसके चलते उसे प्राथमिक उपचार के बाद RBM अस्पताल भरतपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। झगड़े की सूचना मिलते ही टाउन पुलिस चौकी इंचार्ज अजय कुमार यादव मैजाबते डीग अस्पताल पहुंचे और दोनों पक्षों से घटना की जानकारी ली। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में मुकदमे दर्ज कराए हैं। पुलिस ने मुकदमे दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है।